आइए आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में देखे और सीखे द नीटिंग चैनल। मैं सबके लिए थालपुस लेके आई हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 ply ऊन लेंगे, पतली वाली 4 ply ऊन है। और यहाँ पे जो मैंने क्रोसे यूज़ किया 2.5 mm क्रोसे है, यानी यहाँ पे 4 लिखी हुई होगी और यहाँ पे 2.5 mm। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 8 chain बनाएंगे, यानी 8 chain बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 chain बनाने के बाद सबसे फर्स्ट वाली चेन पे लेंगे, इस तरह से हम स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करेंगे। यहाँ से चेन लेंगे 1, 2 और ये 3। 3 chain हमने लिया। 3 chain लेने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है हमें। अब 1 chain लेंगे, पहली चेन हमारी 1 double crochet, ये दूसरी डबल क्रोशिया होगी और 1 chain, यानी 2 double crochet बनाना है और 1 chain लेना है आपको। 1 double crochet, ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर 1 chain, फिर से 2 double crochet बनाएंगे, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 chain। इसी तरह से करते हुए हमें 8 design बनाना है इसमें। जैसे मैंने इसमें 3 design बनाए हैं, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे टोटल में 8 design बना के कंप्लीट किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 double crochet, 1 chain, 1 हो गई, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। टोटल 8 design हमने बनाया है। और 1 chain लेते हैं, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर लेंगे 1, 2, 3 तीसरे चेन पे। अब स्लिप करते हुए जहाँ हमने 1 chain बनाया है, यहाँ पे आपको आना है, चेन बनाएंगे 1, 2 और ये 3। 3 chain हमने बनाए। 3 chain बनाने के बाद इसी जगह पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 chain और 1 double crochet, 2 हो गई, यानी इसके बीच में हमें 3 double crochet बनाना है। 3 double crochet हो गए। अब इस बार हम 2 chain लेंगे, 1 और ये 2। फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, नेक्स्ट वाली जो 1 chain की स्पेस है यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ पे हम 3 double crochet बनाएंगे, यानी 3 double crochet बनाना है। तीन डबल क्रोशिया, 2 chain और फिर से यहाँ पे करेंगे, देखिए 3 double crochet, फिर लेंगे 2 chain, फिर यहाँ पे 3 double crochet। जहाँ जहाँ हमने 1 chain लिया वहाँ वहाँ आपको अब 3 double crochet बनाना है। ये हमारी ये दूसरी राउंड भी कंप्लीट हो गई। तो 2 chain बनाते हुए सबसे फर्स्ट वाली चेन हम यहाँ पे जो है 1, 2 और ये 3 नंबर चेन पर हम स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे चेन बनाएंगे 1, 2 और ये 3। 3 chain हमारी पहले डबल क्रोशिया हुई, सेम इसी चेन पे डालेंगे और 1 double crochet और बना लेंगे। यानी इस राउंड में हमें 5 double crochet बनाना है, यानी 5 double crochet बनाना है। पहली चेन में हम 2 double crochet बनाएंगे और लास्ट चेन पे 2 double crochet, बीच में जो है उसमें हम 1 double crochet बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2 हो गई। दूसरे नंबर डबल क्रोशिया पे 1 double crochet बनाएंगे और तीसरे वाले पे भी 2 double crochet बनाएंगे। बीच वाले पे सिर्फ आपको 1 बनाना है और पहला और लास्ट वाला में इसमें 2 2 double crochet बनाना है। फिर से हम 2 chain लेंगे, 1 और ये 2, फिर से क्रोशिया पर धागा लेंगे, पहले वाले डबल क्रोशिया पे 2 double crochet, बीच वाले पे 1 double crochet, लास्ट वाले पे 2 double crochet, यानी टोटल 5 double crochet बनाना है आपको। और स्पेस के लिए आपको यहाँ पे 2 chain लेना है, 1 और ये 2। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी तीसरी राउंड कंप्लीट होती है। 2 chain लेते हैं, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर लेंगे। 1, 2 और ये 3 नंबर चेन यहाँ पे डालेंगे स्लिप स्टिच करते हुए। अब चौथी राउंड में हमें यहाँ पे 7 double crochet बनाना है। तो पहले में और लास्ट में हम 2 2 double crochet बनाएंगे और बीच में 3 double crochet के ऊपर 1 1 double crochet बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 chain हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई, फिर इसी चेन पे डालेंगे और 1 double crochet और बना लेंगे हम। ये 2 double crochet हो गई, फिर दूसरी नंबर चेन पे हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ 1 double crochet बनाएंगे। अब 3 chain जो हमारी 3 double crochet है उसमें हम 1 1 double crochet बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। टोटल इस राउंड में हमारे पास 7 double crochet होने चाहिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर डालेंगे 6 और 7 एक साथ बनाएंगे। सबसे लास्ट वाली चेन पे जो हमारी है यहाँ पे 2 double crochet बनाएंगे,
फिर दो चेन लेंगे, एक और ये दो, फिर सम यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया है तो पहले में दो, फिर एक 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 और लास्ट में दो, इसी तरह से करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे और बीच में स्पेस के लिए दो दो चेन लेते हुए जाना है आपको। यहाँ पे हमारी चौथी राउंड कंप्लीट होती है, एक दो तीन और ये चार। अब दो चेन लेते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले जॉइंट करेंगे। अब इस राउंड में हमारे पास पांच डबल क्रोशिया होने चाहिए, सात है तो पाँच हो जाने चाहिए। पहले डबल क्रोशिया और लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, बीच में जो पाँच डबल क्रोशिया है पाँच के ऊपर पाँच बनाएंगे। तो देखिए पहले डबल क्रोशिया में तो हमने स्लिप स्टिच किया, अब दूसरे वाले पे भी हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहला चेन छोड़ दिया हमने, यहाँ पे नहीं बनाया, दूसरे से स्टार्ट करेंगे बनाना। एक दो और ये तीन, तीन चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे डालेंगे ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया और ये पांचवा डबल क्रोशिया। आपको ये ध्यान रखना है पहला और लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमें छोड़ देना है, बीच के पांच के ऊपर पांच बनाने हैं हमें। अब यहाँ से हम दो चेन लेंगे, एक और ये दो। अब जो यहाँ पे हमने दो चेन का स्पेस लिया है, यहाँ पे डालते हुए हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। आप इसे मोटी ऊल से और मोटी क्रोशिया से भी बनाएंगे तो यही चीज़ आपकी बहुत बड़ी लगने लगेगी। तो देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर से हम दो चेन लेंगे, एक और ये दो। क्रोशिया पे धागा लेंगे, पहला डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे, दूसरे वाले पे, दूसरे वाले से शुरू करेंगे हम इसे बनाना। चेन को लूज़ नहीं बनाएंगे यहाँ पे हम, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगी, एक बिल्कुल से ऐसे लगने लगेगी। तीन, चार डबल क्रोशिया। देखिए पहला डबल क्रोशिया छोड़ दिया हमने, दूसरे से स्टार्ट किया हुआ है, ये हो गई पांच डबल क्रोशिया। फिर से हम दो चेन लेंगे, एक और ये दो। सेम इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ बनाना है आपको। फिर हम दो चेन लेंगे, फिर पहला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, दूसरे से स्टार्ट करेंगे, एक दो पांच बनाने, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पाँचवा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हमने चेन बनाया यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। अब इस राउंड में आपको यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे पांच है तो पहला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, लास्ट वाला छोड़ देंगे, जो बीच में तीन है उसके ऊपर हम बनाएंगे। तो पहले में हमने स्लिप स्टिच किया, अब दूसरे में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरे चेन पे स्लिप स्टिच करना है और यहाँ से शुरू करेंगे हम। एक दो और ये तीन, तीन चेन हमारी पहले डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर डालेंगे ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। टोटल तीन डबल क्रोशिया करना है इस राउंड में। देखें सबसे पहले तीन थी, फिर पाँच, फिर हमने सात बनाई, फिर हमने यहाँ पे पाँच बनाई, अब यहाँ पे तीन। फिर दो चेन लेंगे। अब देखें ये जो हमने जहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाई इसके अगल बगल हमारे दो दो डबल क्रोशिया चेन ली हुई है। अब यहाँ पे हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों साइड, एक दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। फिर लेंगे दो चेन, एक और ये दो। अब यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। दो चेन लेंगे, एक और ये दो, पांच डबल क्रोशिया है तो पांच के बीच में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। दो चेन लेंगे, एक और ये दो। सेम इसी तरह से यहाँ भी रिपीट करेंगे, यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे, फिर यहाँ तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लेते हुए एक दो तीन में बनाएंगे। तो यहाँ पे सिक्स राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे जॉइंट करेंगे इसे। अब इस राउंड में देखें जो पहला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, दूसरा डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, जो बीच में डबल क्रोशिया यहाँ पर हमें स्लिप करते हुए आना है और इस बीच वाले पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना था। सबसे पहले हम तीन चेन बना लेंगे, तीन चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई। फिर सेम चेन पे डालते हुए हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। अब यहाँ से देखिए तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, सॉरी तीन चेन नहीं दो चेन लेना है। अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे,
यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चेन लेंगे, फिर यहाँ तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ तीन डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए जाना है। अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ जहाँ हमने दो चेन का स्पेस लिया हुआ है ये इसके बीच में, तीन डबल क्रोशिया के बीच बीच में, वहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, दो डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से हम दो चेन लेंगे, एक और ये दो, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। इस राउंड में हमारी ये वाली डिज़ाइन देखिए, पहले में हमने एक बनाया, दूसरे में दो, अब यहाँ पे हमारी तीन बनी है, एक बनाया हमने, ये दूसरा और ये तीसरा। चेन दो लेंगे, एक और ये दो। अब देखिए पहला वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, बीच वाला जो डबल क्रोशिया यहाँ पे डालते हुए दो डबल क्रोशिया बनाना है हमें, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे दो चेन ले लेंगे, एक और ये दो, फिर से यही डिज़ाइन यहाँ रिपीट करेंगे, पूरा राउंड रिपीट करते हुए आके यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमारी सेवन्थ राउंड कंप्लीट हो गई, यानी सातवीं राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, जहाँ हमने दो चेन बनाया हुआ था इस तरह से, दो डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर लिए। अब एक यहाँ स्लिप स्टिच और करेंगे। अब देखिए ये जो हमने तीन तीन डबल क्रोशिया जो बनाया, यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे एक इस तरह से। इस पैटर्न के बीच में जो ये दो है, इसके बगल में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया। अब देखिए यहाँ से धागा लेंगे, अब जो ये वाली जगह है बीच वाली, तीन डबल तीन चेन दो चेन वाली, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, फिर दो चेन लेंगे, एक और ये दो, फिर इसी जगह पे डालेंगे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। फिर से देखिए अब ये वाली गैप आ गई, ये वाली, यहाँ पे हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनती हुई जाएगी। पूरी राउंड हमें ऐसे ही बनाना है, एक में हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक में हम तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया करेंगे। अब क्रोशिया पर धागा लेंगे, अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम तीन डबल क्रोशिया पहले, फिर दो चेन लेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक और ये दो चेन, फिर से इसी जगह पर डालेंगे, तीन डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से पूरा राउंड हम इसी तरह से डिज़ाइन बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये बन के रेडी हो गई है। आप चाहे तो इससे भी बड़ा बना सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और पहले चेन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारी एट रो में हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं इसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट भी कर दें, और चैनल में नहीं आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।